केवल और नताशा का डांडिया रास। झूम कर नाचे दो दीवाने। त्योहार ने बना दी जोड़ी। स्टार प्लस के सीरियल पंड्या स्टोर में मनाया जा रहा है नवरात्रि का त्योहार। भाई नवरात्रि तो चली गई, लेकिन ये सीरियल्स की दुनिया है, यहाँ लेट त्योहार भी मनाया जाता है। और ऐसा ही त्योहार मना रहे हैं नताशा, धवल और बाकी के घर वाले, जहाँ है नच की धूम। और आज तो सारे गिले शिकवे भूलकर नताशा और धवल एक दूसरे संग डांस कर रहे हैं और फरमा रहे हैं आशिकी। आज तो सच धज कर धवल और नताशा इस त्योहार के रंग में रंग गए हैं और इन पर चढ़ गया है एक दूसरे के प्यार का रंग। लेकिन आपको बता दे कि ये नच हो रहा है धवल के सपनों में। जी हाँ, धवल डांडिया रास जरूर कर रहे हैं, लेकिन अपने ख्यालों में। डांस सीक्वेंस ऑफ कोर्स टायरिंग तो था, एग्जॉस्टिंग भी था, बट हम लोग इतने अच्छे से ऐसे कोऑर्डिनेट कर लेते हैं और वाइब कर लेते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, और स्क्रीन पे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। आई हैव नोटिस दैट। तो मुझे ऐसा, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको भी ये बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने काफ़ी अच्छे से प्यार से मेहनत करके ये ऐसा पूरा डांस करा है आपके लिए। प्यारा प्यारा सा, क्या बोलते हैं? यस, वेरी क्यूट, प्यारा डांस, रोमांटिक डांस, सारी चीज़ें दिखेगी उसके अंदर। और चिराग और धवल ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, लाइक पपी 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 पपी, उनको बाद में पता चलता है कि यार ये तो सपना था, हमारी बीवी हमारे साथ नहीं डांस कर सकती, क्योंकि मोड्स और उनके प्रतिष्ठा, अनुशासन, सारी चीज़ें सामने है ना। नताशा यानी कि प्रियांशी डांस करने के साथ साथ बहुत अच्छा गाती भी है, और अपने फैंस के लिए उन्होंने गाया ये खूबसूरत गीत। मैं जान ये बार तू, हर जीत भी हार तू, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार तू। मैं जान ये बार तू, हर जीत भी हार तू, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार तू। सारी हदें मेरी अब मैंने तोड़ दी, देखकर तुझे पता आवारगी बन गए, हाँ हसी बन गए। दिस इज फॉर माय फैंस एक्सक्लूसिवली, आपके लिए। हाँ नमी बन गए तुम मेरे आसमां, मेरी जमीन बन गए। लव यू। वैसे इस त्योहार में ट्विस्ट का तड़का लगने वाला है, क्योंकि गोलू होने वाला है किडनैप, और उसे किडनैप करेगी सीरियल में आई नई एंट्री ईशा, जो परिवार वालों से बदला लेना चाहती है। ऐसे में हेतल काकी हो रही है काफी परेशान, और ये बात वो नताशा से शेयर कर रही है। ईशा तो बहुत ज्यादा स्पाइस लेके आई है अपने साथ तड़का मारने के लिए। सो जैसे कि लाइक एज यू कैन सी, नवरात्रि में मेरी एंट्री हुई है विद बिल्कुल एकदम नवरात्रि वाले लुक में, और अभी वो बहुत कुछ उसके दिमाग में चल रहा है जो कि धीरे धीरे वो एग्जीक्यूट करेगी और आप लोगों को देखने को मिलेगा एपिसोड्स में।
बहुत धमाकेदार एंट्री होने वाली है और बहुत धमाकेदार एपिसोड्स भी आने वाले हैं। एक्चुअली वो अभी तक कंफर्म नहीं है कि उसको मैं ही किडनैप कर रही हूँ या फिर कोई और कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक और शख्स है, तो वो हमें बाद में पता चलेगा। पर हाँ, ज़रूर ऐसा कुछ तो वो प्लान कर रही है जिससे वो अपने यू नो जो मकवाना फैमिली है उसके साथ जो उसका रिश्ता है और कुछ उसके मन में है ग्रजुएस जिसकी वजह से वो रिवेंज लेना चाहती है, तो वो ज़रूर पता चलेगा कि कैसे वो रिवेंज लेती है और गोलू के साथ एक्चुअली वही किडनैप कर रही है या फिर क्या कर रही है। तो भाई अब देखना होगा कि त्योहार के रंग में किस तरह से भंग पड़ता है और कहानी में आता है कौन सा नया ट्विस्ट। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो बिखेर देते हैं आपकी जिंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट, बिल्कुल इन नेल पेंट्स की तरह। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।